इसके कारण पर्वत से गिराए गए प्रह्लाद दुखी नहीं हुए। जो दुखी हुआ, जिसको चोट लगी होगी, लेकिन प्रह्लाद को नहीं लगी। समुद्र में फेंका, लेकिन प्रह्लाद को कष्ट नहीं हुआ। पौराणिक कथा हम लोग सुनते हैं। अंत में कहा कि कहां है तेरा हरि, कहां है तेरा प्रभु? बोले तो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो तपे हुए खंभे में भी होगा, उसको आलिंगन कर। दृढ़ निष्ठा के साथ उसमें आलिंगन, उससे आलिंगन किया तो नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। तो जो अपने मूल स्वरूप में, अपना मूल स्वरूप और परमात्मा का मूल स्वरूप एक ही है। जैसे बचपन बदला लेकिन मैं नहीं बदला, जवानी बदली मैं नहीं बदला उसको देखने वाला। काम आया, हम कामी हो गए, नहीं यह कामी हो गया। काम गया, मन शांत। क्रोध आया, मन क्रोधी हो गया, क्रोध गया मन शांत। लोभ आया, मन लोभी हो गया, लोभ गया मन शांत। तो लोभ नहीं था तब भी मन को देखने वाला मैं था, और लोभ आया तब भी देखने वाला मैं हूं, और लोभ चला गया तभी भी देखने वाला मेरा। मैं तो बदला नहीं। तो लोभ बदला, काम बदला, क्रोध बदला, बचपन बदला, जवानी बदली, बुढ़ापा बदला, जीवन बदला, मृत्यु बदला। तो जैसे ये शरीर और अंदर का शरीर बदला, ऐसे ही हमारा घर और पड़ोस और समाज ये भी बदलता है। तो शरीर और समाज की एकता हुई, शरीर और संसार की एकता हुई, ये है बदलने वाले। मैं नहीं बदलता हूं, जैसे मैं नहीं बदलता ऐसे वो परमात्मा भी नहीं बदलता। तो मेरा जो आत्मा मैं रूप में है, वो और परमात्मा दोनों एक जात के हैं। जय जय। अपना जो शुद्ध मैं है, तीसरा आध्यात्मिक शरीर जो है, आध्यात्मिक मैं शरीर, तो भाषा आ जाती है इसी गलती की, उसको शरीर कहो या असलियत कहो या तत्व कहो। अपना जो मैं, अपना जो शुद्ध मैं है, वो परमात्मा का मैं और अपना मैं एक है। जैसे अपने बदलते नहीं, शरीर और मन बदलता है, ऐसे ही परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा नहीं बदलते। सृष्टि होती है, सृष्टि में परिवर्तन होते हैं, सृष्टि प्रलय होती है, तभी भी भगवान रहते हैं। पुराणों में सुना होगा कि महाप्रलय हो जाता है, आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाता है तो उसको भी तो कोई देखता है। प्रलय में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहने को भी कोई जानता है। ऐसे ही रात्रि को तुम नित्य प्रलय करते हो, सो गए, मेरा मकान है ये बात चली गई, मेरा दुकान है एक बात चली गई, मेरी जाति पाति सब भूल गए, कहां हो क्या कर रहे हो सब भूल गए। सुबह उठे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बड़ी आराम से नींद आ गई। कुछ नहीं देखा और बड़ी मजे की नींद आई, तो नींद आई कुछ नहीं देखा, कुछ न देखने को भी तुम जान रहे हो। तो तुम्हारे ये कर्ण जो है, वो देखते तभी भी तुम देखते हो, और वे नहीं देखते तभी भी वो जो देखता है वो तुम्हारा असली स्वरूप है। ज्ञानवान उस असली स्वरूप में टिका है, इसलिए उसकी सदा समाधि है, उसको समाधि करनी नहीं पड़ती, उसका समाधान हो गया, उसका रोग निवृत्त हो गया, इसलिए दवा उनको लेनी पड़ती नहीं। योग समाधि में विक्षेप निवृत्त करने के लिए योग समाधि है, भाव को शुद्ध करने के लिए भक्ति है, व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निष्कामता है, लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। अपना आत्मा तो शुद्ध है, ये नहीं जाना तब तक ये सब करना पड़ता है। ज्ञानवान ने ये जान लिया है, रिंझाई के गुरु से, रिंझाई ने पूछा कि गुरुजी शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है? गुरु ने कहा, मैं जो करता हूं वो शुद्ध है, जो नहीं करता हूं अशुद्ध है। मेरे से जो होता है वो पवित्र है, और जो नहीं होता है वो अपवित्र है। बोले बाबा जी, आपसे कोई गलती नहीं होती होगी? बोले जब मैं था, इस शरीर को मैं मानकर मैं था, तब तो कितना भी संभल संभल के करता था, तभी भी सोचता था कि अब ऐसा करूंगा तब सुखी होऊंगा, ऐसा करूंगा तब कुछ होगा। अब मैं जब खो गया, मुझे अपने असली स्वरूप का पता चला,
तब इसके साथ का जो मेरा जुड़ान था वो जुड़ान कट आउट हो गया, संयोग जन्य सुख लेने की लालसा मिट गई। और जब से लालसा मिट गई तब से जो कुछ होता है बढ़िया होता है। कुछ चाहिए तो गदाई है, कम चाहिए तो खुदाई है, और कुछ नहीं चाहिए तो शहनशाही है। तो जब अपने असली आनंद स्वरूप आत्मा का पता चला तो अंदर से चाह मिट गई।